News 18, India. बड़ी खबर आई बंगाल से। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक बोल दिया कि संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यही नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के मामले में उसकी गलत छवि बनाई गई, क्योंकि अदालत ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई। हाई कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब एक दिन पहले ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि बंगाल सरकार कोर्ट के आदेश की वजह से शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, और अगले ही दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी कर दी। इस बीच संदेश खाली में शाहजहां शेख के करीबियों पर लोगों का गुस्सा फूटा और टीएमसी नेता अजीत मैथी के बाद शंकर सरदार के घर पर हंगामा हुआ। लोगों ने उनके घर में तोड़फोड़ की। शाहजहां शेख के एक और करीबी टीएमसी नेता हरधर आड़ी के घर पर भी हमला हुआ। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उनके करीबियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी ने बात और बिगाड़ दी और संदेश खाली में महिलाओं ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देखकर संदेश खाली में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। पुलिस ने भी दो टूक बोल दिया कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्ती होगी। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेगी। इससे पहले संदेश खाली में अजीत मैथी के घर पर हमला हुआ था। पिछले हफ्ते गुस्साए लोगों ने अजीत मैथी को चप्पलों से पीटा था और अजीत मैथी पर जमीन हड़पने में शाहजहां शेख की मदद करने का आरोप लगाया था। गुस्साए लोग अजीत मैथी के घर में घुस गए थे और अजीत मैथी से मारपीट की थी, और इसके बाद अजीत मैथी कई घंटों तक एक आदमी के घर में छुपे रहे। हालात ये हो गए कि उन्होंने लोगों के सामने हाथ जोड़े और कानून का हवाला देकर उनसे मिन्नत की। हाथ जोड़कर अनुरोध करबो छी यदि हमें कोनो भूल त्रुटि करे थाकी, कारो जमी जायगा टाका पैसा लिए थाकी, ये गोला लाइट देने के आईन आछे, पुलिस प्रशासन आछे। अजीत मैथी को लोगों के आगे हाथ इसलिए जोड़ने पड़े क्योंकि संदेश खाली में लोगों ने उन्हें घेर कर पीटा था। हालत यह हो गई थी कि उन्हें किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा था और वो एक आदमी के घर में करीब 4 घंटे तक छिपे थे। बाद में पुलिस ने मैथी को यहीं से हिरासत में लिया। शाहजहां शेख और उनके दूसरे करीबियों पर भी शिकंजा कस गया। पुलिस ने शाहजहां शेख के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। उनके भाई शिराज शेख पर भी केस दर्ज किया गया। सूत्रों ने बताया कि शिराज शेख के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, यानी संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख पर शिकंजा कस गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस मामले में ममता सरकार को फटकार लगा दी, जबकि एक दिन पहले ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि कोर्ट के आदेश की वजह से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। तो हाईकोर्ट यदि विचार व्यवस्था यदि राज्य पुलिस प्रशासन हाथ पा बेधे दे FIR स्थगित कर दे, पुलिस अभिषेक बनर्जी के इसी बयान के अगले दिन अदालत ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की।